इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले टच लाइट एक्सपी सिरप्स के बारे में। टच लाइट एक्सपी सिरप्स का क्या है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज़ किया जाता है, यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, यूज़ करने से आपको क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर क्या अंग्रेजी से मॉलिक्यूल से कंपोजिशन लगे और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज डोजेंस कितना होना चाहिए, इसका डोज आप किसी दिन मिस कर जाए तो अगले दिन इसका डोज किस तरह से ले सकते हैं, और सिरप्स का इस्तेमाल स्किन को नहीं करना चाहिए, और सिरप्स का इस्तेमाल करते समय क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो टच लाइट एक्सपी सिरप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया, अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं टच लाइट एक्सपी सिरप, जो कि हमारे पास 100 ml का बोतल है, जिसकी MRP की बात करें तो उसकी MRP 90 rupees यानी कि 90 rupees करीब इसकी MRP है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स को मेरिडियंस एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स के अंदर इंग्रीडियंट्स या मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन से एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड्स डिओसल्बुटामोल सल्फेट्स और गुआफेनसिन सिरप्स इसके अंदर डाले गए हैं। टच लाइट एक्सपी सिरप्स का यूज़ के बारे में बात करें तो टच लाइट एक्सपी सिरप्स का इस्तेमाल बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये सिरप्स का इस्तेमाल वेट कप के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि टच लाइट एक्सपी सिरप्स ट्रीटमेंट करती है बलगम वाली खांसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स आपके बच्चों की खांसी को शांत करने के लिए इसे राहत देने में मदद करता है। यह बलगम के जल स्तर को बढ़ाकर गाढ़े बलगम को ढीला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है, इसे सांस लेना आसान हो जाता है, खांसी कम आती है। दवाओं के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीने और गर्म नमकीन पानी के साथ गरारे करने से आपके बच्चों को बीमारी के लक्षणों से आराम मिल सकता है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स बच्चों में बलगम वाली खांसी यानी कि बलगम वाली खांसी का प्रभावी ढंग से इलाज करता है। ये पानी की मात्रा को बढ़ाकर बलगम को पतला करने में मदद करता है। ये गले की जलन से राहत देता है और जमाव को दूर करता है, जिससे आपके बच्चों को आसानी से सांस लेने में मदद मिलती है, यानी कि ट्रीटमेंट करती है बलगम वाली खांसी, यानी कि वेट कप के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स का डोज और डोजेंस की बात करें तो उसका डोज और डोजेंस बच्चे की एज और वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे की एज कितनी और वेट कितना है। उसका डोज और डोजेंस आफ्टर मिल सकता है, यानी कि सिरप्स को खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इस सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। अगर आप इसको कंटिन्यू बेस पर इस्तेमाल किया जा रहे हैं, यानी कि अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल नहीं कर रही, कंटिन्यू बेस पर इसका सेवन करा रही है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। साइड इफेक्ट में हो सकता है मिचली आना, उल्टी होना, डायरिया, दस्त होना, चक्कर आना, हेडेक होना, रैशेस होना, तो एक और साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो टच लाइट एक्सपी सिरप्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। टच लाइट एक्सपी सिरप्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क टच लाइट एक्सपी सिरप्स। टच लाइट एक्सपी सिरप्स के अंदर जो दवाई देती है, यानी कि एम्ब्रोक्सोल्स, वो एक म्यूकोलाइटिक्स है जो कि लूज करता है म्यूकोस यानी कि फैलगम को और कप को आसानी से बाहर निकालता है। गुआफेनसिन से एक्सपेक्टोरेंट है जो कि डिक्रीज करता है, स्टिकनेस करता है म्यूकोस, और ये हेल्प करता है, रिमूव करता है एयरवे से। और इसके अंदर जो लियोसाल्बुटामोल रहता है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है जो वायुमार्ग की मांसपेशियों को रिलैक्स और विस्तारित करता है। टच लाइट एक्सपी सिरप्स को यूज़ करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फैमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करिए, बाद में सिरप्स का इस्तेमाल करिए। अपने मन से टच लाइट एक्सपी सिरप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करिए। तो टच लाइट एक्सपी सिरप्स के बारे में कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल आई दीजिए, वहाँ पर बताएं। टच लाइट एक्सपी सिरप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सिरप्स या कप सिरप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।